हेलो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अजय यादव और स्वागत करता हूं आप सभी का आज के इस धमाकेदार वीडियो में। दोस्तों 26 तारीख को सुबह 6 बजे वन ऑफ द मोस्ट अवेटेड फिल्म शेरे हिंदुस्तान का टीजर लॉन्च हो चुका है और उस फिल्म में लीड रोल में है भोजपुरी जुबिन स्टार निरहुआ। ये फिल्म रिलीज होने वाली है होली के मौके पर। दोस्तों उसी टीजर का हम रिएक्शन देंगे इस वीडियो में और बताएंगे आपको कि उस फिल्म की स्टोरी क्या है और किस मुद्दे पे ये स्टोरी बनी है। तो दोस्तों बने रहिए, देखते रहिए एंटरटेनमेंट फॉर यू। फिल्म को लिखा है और फिल्म को डायरेक्ट कर रहे हैं मनोज नारायण जी और फिल्म को प्रोड्यूस किया है रत्नाकर कुमार ने और इस फिल्म के जो डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं वो है वर्ल्ड वाइड रिकॉर्ड। दोस्तों ये वर्ल्ड वाइड रिकॉर्ड फिल्म को रिलीज कर रहा है नेपाल, यूपी, बिहार, दिल्ली और मुंबई के थिएटर्स में। दोस्तों ये काफ़ी बड़ी फिल्म है और इस फिल्म का कॉन्सेप्ट बाकी भोजपुरी फिल्म से काफ़ी अलग है और टीजर देखने के बाद हम आपको बताते हैं कि इस फिल्म का टीजर कितना अच्छा था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फिल्म का टीजर। तो जैसे कि मैंने कहा था, फिल्म के जो डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं वो है वर्ल्ड वाइड चैनल और ये वर्ल्ड वाइड चैनल फिल्म को रिलीज करने वाला है ऑल ओवर द इंडिया प्लस नेपाल के थिएटर्स में। दोस्तों फिल्म के जो एक्शन सीन्स हैं काफ़ी अच्छे नज़र आ रहे हैं और इस टाइप के एक्शन सीन भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में इससे पहले देखने को नहीं मिले थे। बहुत ही अच्छे एक्शन सीन्स हैं और बहुत ही हाई टेक्नोलॉजी यूज़ की गई है इस फिल्म को बनाने के लिए। काफ़ी अच्छे एक्शन सीन्स नज़र आ रहे हैं हमें और आप देख सकते हैं यहाँ पर। ये फिल्म रिलीज हो रही है भोजपुरी बॉक्स ऑफिस पे होली के मौके पे, मतलब होली 20 का है तो उसके आसपास आपको फिल्म देखने को मिलने वाली है। और इस फिल्म की स्टोरी जो है मैंने पढ़ी थी और निरहुआ जी के एक इंटरव्यू मैंने सुना था तो उन्होंने कहा था कि इस फिल्म की जो स्टोरी लाइन है न्यूक्लियर एनर्जी पर बेस्ड है और भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में पहली बार एक ऐसी फिल्म आ रही है जिसकी स्टोरी न्यूक्लियर पर बेस्ड है और काफ़ी एक्साइटेड फिल्म है जो कि होली में रिलीज होने वाली है। इसके बाद निरहुआ की फिल्म आएगी गबरू जो कि रिलीज होगी ईद के मौके पर। दोनों काफ़ी शानदार फिल्म हैं और मुझे तो इस फिल्म का टीज़र काफ़ी अच्छा लग रहा है, एक्शन सीन भी काफ़ी अच्छे नज़र आए हैं। दोस्तों आपको इस फिल्म का टीज़र कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और अगर आपको इस फिल्म का इंतज़ार है तो कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर हमारा रिएक्शन वीडियो पसंद आया तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।